लिसनर्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे इंड एयर्स 36 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आप देखते ही आपका बैंड बज गया होगा, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन है कि पढ़ते ही पढ़ते बैंड बज ही जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरिएगा मत कि इतना लॉन्ग क्वेश्चन है कैसे होगा। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, पेशेंस लेवल थोड़ा ज्यादा रखिएगा कि एंड तक, लेक्चर के पूरे एंड तक आप आराम से पेशेंटली सुनते रहिएगा और थोड़ा बहुत हाथ भी चलाते रहिएगा, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, सीधा सीधा दिमाग में सारी चीजें आ जाए। ठीक है, तो बस पेशेंट लेवल रखिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। एलई लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच डील्स इन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस। काम करती है, ठीक है, सिंपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इट इज हैविंग वेरियस प्लांट्स अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में इनका फैला हुआ है काम। देयर इज मशीनरी ए इन द बड़ौदा प्लांट विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बॉटलिंग, यानी कि एक तरीके से बॉटल बनाने का काम करती होगी। देखो कोल्ड ड्रिंक और बेवरेज यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का काम है इनका, तो एक मशीन इन्होंने रखी है जो बॉटल्स का काम करती है। देयर इज वन मोर मशीनरी विच इज मशीनरी बी क्लब्ड विद मशीनरी। अच्छा देखना, जब इन्होंने मशीन ए की बात करी तब इन्होंने कहीं क्लब्ड वर्ड यूज नहीं किया, यानी कि मशीन ए अलग काम कर सकती है। और इधर उन्होंने बोला जब मशीनरी बी का, तो बोला ये मशीन ए से क्लब्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, मशीन ए कैन इंडिविजुअली हैव एन आउटपुट एंड ऑल्सो सोल्ड इंडिपेंडेंटली इन द ओपन मार्केट। और बोल भी रहे हैं कि जो मशीन ए है वो अकेले इंडिविजुअली काम कर भी सकता है, साथ के साथ सामान बेच भी सकता है बाहर मार्केट में। ठीक है, लेकिन मशीन बी कैन नॉट बी सोल्ड इन आइसोलेशन एंड विदाउट क्लबिंग विद मशीन ए, इट कैन नॉट प्रोड्यूस आउटपुट एज वेल। सिंपल सी बात ये कि मशीन ए बी जो है वो अकेले काम नहीं कर सकता, वो मशीन ए पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसका अकेला कोई वजूद नहीं है, किसका, मशीन बी का। ठीक है, द कंपनी कंसीडर्ड दिस ग्रुप ऑफ एसेट एज सीजीयू, तो इसलिए अपन ने क्या किया, मशीन ए बी को क्या बना दिया, सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट। एंड एन इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू 2 लाख, इसमें इन्वेंट्री भी है 2 लाख की, एंड गुडविल अमाउंटिंग टू 1.5 लाख इज इंक्लूडेड इन सच सीजीयू, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि इन्होंने एक सीजीयू बना दिया जिस सीजीयू में मशीन तो है, ग्रुप ऑफ एसेट तो है, साथ के साथ इन्वेंट्री भी है, साथ के साथ गुडविल भी है। ठीक है, ये सब है सीजीयू में। ठीक, आगे देखते हैं, अलग पेन यूज करूँ अब, चलो छोड़ो। मशीन ए वॉज परचेज ऑन 1st अप्रैल 2013 फॉर 10 लाख। मशीन जो ए है वो कब परचेज हुई है उसका बता दिया आपको, रेजिडुअल वैल्यूज भी दे रखी है। ठीक है, तो जब आप डेप्थ कैलकुलेट करें तो ध्यान रखना कि रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दें। आगे, मशीन बी वॉज परचेज ऑन 1st अप्रैल 2015, दोनों में डिफरेंस है, ये 13 में परचेज हुई है 15 में, ये 5 लाख की है लेकिन इसका कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। द यूजफुल लाइफ ऑफ बोथ मशीन ए एंड बी, दोनों का यूजफुल लाइफ सेम है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स फॉलोइंग कैश फ्लोज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स पर्टेनिंग टू मशीनरी ए, द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ ₹10%, यानी कि सिंपल से सिंपल ये हमें पीवी फैक्टर ऐसा यूज करना है 10%। ठीक है, आगे देखते हैं, मशीन ए के कैश फ्लोज दे रखे हैं, इसका मतलब मशीन ए का हम वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहे 5 सालों का अपन को कैश फ्लोज दे रखे हैं। ऑन 31st मार्च 2018 की बात है, दी प्रोफेशनल वैल्यूअर्स एस्टिमेटेड दैट दी करंट मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन ए इज 7 लाख। ठीक है, हमने कुछ प्रोफेशनल वैल्यूअर्स हायर किए और उन्होंने हमें ये बताया कि जो करंट मार्केट वैल्यू है, एक तरीके से फेयर वैल्यू जो है वो है 7 लाख। ठीक है, द वैल्यूएशन फी, और जिस प्रोफेशनल ने ये हमें बताया कि इसका कितना फेयर वैल्यू 7 लाख, उसने हमसे फीस भी चार्ज करी ये वैल्यूएशन करने में 1 लाख की। अच्छा, मुझे यहाँ पर आप बताना कि 1 लाख अपन कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तो आपको इसका आंसर बाद में बताऊंगी, आप अभी सोच लो कि इसे कंसीडर करना है कि नहीं। आगे देखते हैं, देयर इज अ नीड टू डिसमेंटल द मशीनरी बिफोर डिलीवरिंग टू द बायर। अच्छा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी है इसका, यानी कि वही बोलते हैं ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, कॉस्ट टू सेल, तो वो है यहाँ पर 1.5 लाख। स्पेशलाइज पैकेजिंग कॉस्ट भी है 25
1000 एंड लीगल फीस भी है 75,000। भाई साहब 3 दिन कॉल्स दे रखी है आपको, सब यूज में आएंगी, ठीक है, आगे जाके सब यूज में आएंगी। अभी अपन क्वेश्चन रीड करते हैं, बस क्वेश्चन रीड कर लो, वो ही बहुत बड़ी बात है। अलग पेन लेते हैं। द इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड इन अकॉर्डेंस विद इंडियस टू, ये हमें पता ही है कि जो इन्वेंट्री है वो इंडियस टू का रूल होता है उसका, यहाँ पे तो कोई काम नहीं होता। द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ द सीजीयू इज 10 लाख। अच्छा, जो ऊपर अपन ने एक सीजीयू बनाया था याद है, उसमें मशीन ए, मशीन बी, इन्वेंट्री और गुडविल ये सब था, उसके अपन को यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है 10 लाख, यानी कि इंपेयरमेंट लॉस चेक हो सकता है 31 मार्च 2018 का, ध्यान रखना कब का दे रखा है, 31 मार्च 2018 का। इन द नेक्स्ट ईयर द कंपनी हैज डन द असेसमेंट ऑफ रिकवरेबिलिटी ऑफ द सीजीयू एंड फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ सच सीजीयू इज 11 लाख। अच्छा, नेक्स्ट ईयर फिर एक और बार चेकिंग हुई है, एक और बार इंपेयरमेंट टेस्ट हुआ है, तब सीजीयू का क्या है 11 लाख, यानी कि ये आपको दे रखा है 31 मार्च 2018, तो ये होगा 31 मार्च 2019, ठीक है। अच्छा, आगे लिख भी दिया उन्होंने, दैट इज 31 मार्च 2019, मुझे लगा नहीं लिखा तो मैं खुद लिख दूँ। अच्छा, आगे देखो, द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ द मशीन ए की भी रिकवरेबल वैल्यू अलग से दे रखी है 4,50,000, और उन दोनों को मिला के भी दे रखी है 7,60,000। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। अभी तो हम ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहला, कंप्यूट द इंपेयरमेंट लॉस ऑन सीजीयू। सीजीयू का इंपेयरमेंट जो इन्होंने सीजीयू बनाया है उसका अपन को इंपेयरमेंट लॉस चेक करना है। कैरिंग वैल्यू देखना है आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस, यानी कि जो भी इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे वो अलोकेट कर देंगे, उसके बाद उसका कैरिंग अमाउंट भी देख लेंगे, ठीक है। ये कब की बोल रहे हैं, 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 का अपन के पास रिकवरेबल अमाउंट भी है, ठीक है, कर लेंगे भाई। आगे बाकी जो भी वर्किंग नोट्स आप बनाओ वो बना लेना, हम तो बहुत सारे बनाते हैं, सब बना के दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बार बार नीचे क्यों चला जाता है इतना। बी, कंप्यूट दी प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन। अच्छा, जब अपना 31 मार्च 2018 को इंपेयरमेंट लॉस माइनस होकर आराम से आ जाएगा ना अमाउंट, उसके बाद आप ये भी दिखा दो कि नेक्स्ट डेप्रिसिएशन क्या लगेगा। नेक्स्ट ईयर कौन है, वही 31 मार्च 2019, तो 18-19 के बीच का जो डेप है वो भी बता दो, बता देंगे भाई। कंप्यूट द कैरिंग अमाउंट वैल्यू ऑफ, अच्छा 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को एक बार फिर हम इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसका फिर से एक और बार अपन को रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है, तो फिर से एक बार चेक कर लेंगे और फिर देखेंगे उसका कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा, ठीक है। 3 काम करने हैं अपन को अभी, तो हो सकता है कुछ लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, होता है ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में ऐसे छोटे मोटे डाउट आना वो कहते ना जाहिल है ऐसा कुछ बोलते, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, ओके लीव इट। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 को भी आसान बनाते हैं। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे मोटे डाउट आना लाजमी है, ठीक है। अब मुझे वर्ड याद आ गया, वो लाजमी था। तो चलिए पहले तो कॉपी पर लिखते हैं इंडियस 36 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 का, करते हैं अपन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अब मुझे बताओ अपन को क्या चाहिए, इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस चाहिए कब का, 31 मार्च 2018 का। अगर हमें 31 मार्च 2018 का इंपेयरमेंट लॉस चाहिए तो 31 मार्च 2018 का दोनों का कैरिंग अमाउंट चाहिए रहेगा कि नहीं। इंपेयरमेंट लॉस के लिए दो चीजें चाहिए होती है, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। तो अभी हम पहले करते हैं कैरिंग अमाउंट, मशीन ए मशीन बी का कब का चाहिए, 31 मार्च 2018 का। अब आराम से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले करेंगे मशीन ए, ये क्वेश्चन को मैंने पहले ही सोच लिया है, आराम से करेंगे आराम से, ठीक है। अब ये खरीदी कब है, ये खरीदी है अपन ने, मशीन ए वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013 को 10 लाख की, ठीक है, जिसमें कि इसका रेजिडुअल वैल्यू है 50,000। रेजिडुअल वैल्यू है 50,000 और ये कितने साल चलेगा, ये चलेगा, दोनों सेम ही था यूजफुल लाइफ, 10 साल चलेगा, 10 साल। तो इससे अपन पर ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 95,000। 95,000 ये आ गया पर ईयर का, ठीक है। अब मुझे बताओ, हाँ 13 से 14, 14 से 15, 8 से 3 के 5, सिंपल कर लो, 5 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है,
क्योंकि 8 का अपन को चाहिए और अभी हम कहाँ पर है, 3 पर। एक तरीके से सिंपल देख लो, ऐसे टाइमलाइन बता दूँ तो अभी हम यहाँ है 1 अप्रैल 2013 को, ठीक है। हमें यहाँ पहुँचना है 1 अप्रैल 2018 को, तो मशीन ए को 13 से 18 लेके जाना है, यानी कि कितना टाइम लगेगा, 5 साल। 5 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए कि नहीं, 1 साल का अपन ने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, 5 साल का आ जाएगा 5 ईयर्स डेप। कितना आएगा, 1 साल का पता ही है, 5 साल से इंटू कर दो, ये आ गया 4,75,000। कितना आ गया, 4,75,000। अब मशीन ये थी कितने की, मशीन ये थी 10 लाख की, इसका कॉस्ट था 10 लाख। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 5 ईयर्स का, 4,75,000, ये आ गया 5,25,000। कितना आ गया, 5,25,000 कैरिंग अमाउंट आ गया मशीन ए का। समझ में आया सिंपल, नहीं आया तो दोबारा देखो। अभी हम मशीन बी का भी करेंगे, मशीन बी का भी करेंगे। बस ध्यान रखना कि मशीन बी कब खरीदी है, 2 साल बाद, 2 साल बाद, यानी कि 1 अप्रैल 2015, ठीक है। कितने की खरीदी थी, 5 लाख की, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। और कितने साल चलेगी, साल तो उतने ही चलेगी, 10। अब देखो 5 लाख, ये तो सिंपल ही है भाई, 50,000 आ जाएगा, इसमें कैलकुलेटर करने की जरूरत नहीं थी। अब ध्यान रखना ये कितने का आ गया, 50,000 हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया, हर साल का, ठीक है। अब यहाँ पर गलती मत करना, 5 साल, ठीक है, क्योंकि देखो अपन कहाँ पर है, 1 अप्रैल 2015 पे, 15 पे, जाना कहाँ है, 31 मार्च 2018 को, तो 8 में तो पहुंच गया 3। अब सिर्फ और सिर्फ 3 साल है, 3 साल, इन दोनों के बीच में कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 साल, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 3 ईयर्स डेप्रिसिएशन। 1 साल का पता है 50,000, 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, किसी बच्चे से पूछ लो भाई, 1.5 लाख बोल देगा। अब देखो कॉस्ट कितने की थी, मशीन बी का 5 लाख, अगर इस पे डेप लग जाए 3 साल का, दैट इज 1.5 लाख, तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 तो 3, 3,50,000, यानी कि हमने कैरिंग अमाउंट निकाल लिया मशीन बी का 3,50,000। सिंपल है, इसको 5 साल हो गए तो इसको 5 साल का डेप लगा दिया, इसको 3 साल हो गए तो 3 साल का डेप लगा दिया। कुल मिला के हम दोनों मशीनरी को 31 मार्च 2018 पर लिया है, 31 मार्च 2018 पर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले मशीन ए की, क्योंकि मशीन एक जो है वो अकेले भी काम कर सकती है, ठीक है। सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे, देखो कैरिंग अमाउंट आ गया, सेकेंड अपन कैलकुलेट करेंगे रिकवरेबल अमाउंट। इंपेयरमेंट लॉस के लिए दो ही चीजें चाहिए रहती हैं, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। अब बहुत लोगों को, आपको सोच सकते हो कि अरे रिकवरेबल अमाउंट तो दे रखा है तो आप उसको क्यों नहीं कंसीडर कर लेते, डायरेक्ट कंसीडर कर लो ना, कितना दे रखा है, द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू 10 लाख। तो बेटा वो सीजीयू का दे रखा है, हम अभी किसका निकाल लें, सिर्फ उसकी मशीन ए का, क्योंकि मशीन जो ए है ना वो अकेले भी काम कर सकता है, तो हम पहले मशीन ए का इंपेयरमेंट लॉस निकाल लें ताकि क्वेश्चन आसान बने। क्वेश्चन जो हमारा इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया वो थोड़ा सा कठिन तरीके से किया, पर मैं उसको आसान बना रही हूँ, ठीक है। अब देखते जाओ कैसे आसान बनता है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम सीजीयू की बात नहीं कर रहे हैं, हम मशीन ए की बात कर रहे हैं, हम मशीन ए का कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम मशीन ए का रिकवरेबल अमाउंट देख रहे हैं, ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट के लिए दो चीजें चाहिए रहती है, वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजेबल। तो सबसे पहले हम वैल्यू इन यूज निकालते हैं। वैल्यू इन यूज के लिए अपन को कैश फ्लोज दे रखे थे अगले 5 सालों के, 1.5 लाख, 1 लाख। वैल्यू इन यूज को कैलकुलेट करना आ गया होगा अब तक, तो आपको कितना आगे आ चुके हैं अपन, 1.5 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, ठीक है। पी फैक्टर कितना लगाना है अपन को, 10% खुद ही बोला था उन्होंने, तो 1/1.10, 1 डिवाइड बाय 1.10,
0.909, वैसे स्टार्टिंग तक मुझे याद है 0.909826751 इतना मुझे याद रहता है। आगे हम देख लेते हैं 683621। अच्छा याद रखना इसमें रेजिडुअल वैल्यू भी तो मिलेगा भाई, कितना मिलेगा रेजिडुअल वैल्यू, उन्होंने बोला था एक्सक्लूडिंग रेजिडुअल वैल्यू, क्या बोल रही हूँ मैं रेजिडुअल वैल्यू ठीक है, कैश फ्लो जब उन्होंने लास्ट का दिया था ना पांचवा 1 लाख का, तो उन्होंने बोला था ये एक्सक्लूडिंग रेजिडुअल वैल्यू है, इसमें रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो इसमें रेजिडुअल वैल्यू भी कंसिडर करना है, कितना 50,000 ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना 621 ही लगेगा क्योंकि दोनों फिफ्थ ईयर में मिलने वाले हैं। अब फटाफट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू कर दोगे कैश फ्लो को, तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो आ जाएगा, फटाफट कर दो 1.5 लाख का 0.909 136350, 1 लाख का करो 0.826 82600, उसी तरीके से ये आ जाएगा 75100, 0.683 का इंटू करो 1.5 लाख में, ये आ जाएगा 102450 62100, और लास्ट 50,000 का करो 621 में, ये आ जाएगा 31050, पूरा आ गया। इन सब का टोटल मार दो 62100 102450 75100 82600 136350, ये आ गया 489650 489650, ये आ गया हमारा वैल्यू इन यूज ठीक है। अब आ जाते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, वैल्यू इन यूज तो समझ में आ गया सिंपल, जो भी अपन को कैश फ्लोज दे रखे हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज आ जाएगा, उन सबका टोटल मारो वैल्यू इन यूज क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, सबसे पहले हमारा जो प्रोफेशनल था उसने हमसे बोला था फेयर वैल्यू कितना रहेगा इसका 7 लाख फेयर वैल्यू, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, अमाउंट के लिए जगह इतना सुंदर फॉर्मेट मैंने बनाया है फिर भी मैं खिचड़ी पका रही हूँ, फेयर वैल्यू कितना है 7 लाख। यहाँ पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछी थी, जो हमारा प्रोफेशनल वैल्यूअर है उसने हमसे 1 लाख रुपए लिए थे, क्या हम उसे कंसीडर करेंगे, मुझे पता नहीं आंसर क्या बोला, जिसने ये आंसर बोला उसे कंसीडर नहीं करेंगे, बहुत 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 बढ़िया, क्यों नहीं करेंगे उसे कंसीडर ये बताओ। देखो सिंपल सी बात है, हमने उसे 1 लाख रुपए दिया कि भाई वैल्यू करके बताओ, अगर वो वैल्यू नहीं करके बताता तब भी तो हमारे 1 लाख रुपए जाते क्योंकि उसने वैल्यू किया लेकिन वो वैल्यू नहीं कर पाया, तो 1 लाख रुपए तो एक तरीके की क्या हमारी संक कॉस्ट, और संक कॉस्ट को कभी भी हम कंसीडर नहीं करते ठीक है, तो वो संक कॉस्ट है, अगर हम उसे वैल्यूअर को 1 लाख देते और वो कुछ काम नहीं करता तब भी वो 1 लाख रुपए जाते ठीक है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारी डिसमेंटलिंग वगैरह की, बहुत सारी कॉस्ट थी हमारी, एक एक करके लिख देती हूँ मैं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट द डिसमेंटलिंग कॉस्ट 1.5 लाख, ये माइनस हो जाएगी, फिर पैकेजिंग कॉस्ट ठीक है कॉस्ट 25,000, लास्ट हमारी लीगल फीस 75,000, फटाफट इनको माइनस करो, 7 लाख में से 1.5 लाख माइनस 25,000 माइनस 75,000, ये आ गया 4,50,000, ये आ गया 4,50,000। अब मुझे बताओ रिकवरेबल अमाउंट के लिए क्या देखते हैं, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल विच एवर इज हायर, इन दोनों में अपन क्या देखते हैं विच एवर इज हायर, तो बताओ क्या है, ऑब्वियस सी बात है वैल्यू इन यूज ज्यादा है तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल्स टू वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज के बराबर हो जाएगा, दैट इज 489650, 489650 ये हो जाएगा हमारा रिकवरेबल अमाउंट। तो मशीन ए का रिकवरेबल अमाउंट बताओ, अभी अभी कैलकुलेट किया 489650, मशीन ए का कैरिंग अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 5,25,000, मशीन ए का अपन को कैरिंग अमाउंट भी पता है, हम फर्स्ट नोट में ही क्लियर कर चुके थे, कैलकुलेट कर चुके थे 5,25,000,
मशीन ए का अपन को रिकवरेबल अमाउंट भी पता है, तो क्या हम मशीन ए का इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो 5,25,000 माइनस 489,650, 35,350, 35,350, अरे 35,350। दैट मीन्स मशीन ए का इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? 35,350। तो अभी तक बताओ अपन ने क्या किया? अभी हमने फर्स्ट नोट में मशीन ए का कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लिया था, सेकंड नोट में अपन ने मशीन ए का रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज को लेकर। फिर जैसे ही थर्ड नोट में क्या करा अपन ने, जैसे ही रिकवरेबल अमाउंट आया और कैरिंग अमाउंट आया, अपन ने इन दोनों को कंपेयर करके इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लिया। ध्यान रखना, ये इम्पेयरमेंट लॉस किसका है? सिर्फ और सिर्फ मशीन ए का। सीजीयू का कैलकुलेट नहीं किया। अब हम करेंगे नोट नंबर 4 में इम्पेयरमेंट लॉस सीजीयू का, इम्पेयरमेंट लॉस सीजीयू का। तो सीजीयू में है क्या क्या? सबसे पहली बात, सीजीयू में है क्या क्या? तो सीजीयू में है मशीन ए, जिसका कैरिंग अमाउंट है 5,25,000। मशीन बी, इसका भी हम कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका भी हम ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर चुके थे, जो कि आया था 3,50,000। इन्वेंट्री का आता है 2,00,000, ये गिवन है अपन को। गुडविल का भी गिवन था 1,50,000, क्वेश्चन में गिवन था, याद है? क्वेश्चन में उन्होंने बोला था सीजीयू में 4 चीजें हैं, एसेट्स यानी कि मशीन, इन्वेंट्री और गुडविल। मशीन ए मशीन बी का ये कहाँ से आया? ये आया है नोट 1 से। नोट 1 में हम कैलकुलेट कर चुके हैं 5,25,000 और 3,50,000। इन्वेंट्री और ये दोनों चीजें अपन को क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है? जिसको ये डाउट आ जाए ये चारों अमाउंट आ कहाँ से गए, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? 2,00,000 की एक बार चेक कर लूँ, 2,00,000 की इन्वेंट्री थी और 1,50,000 की गुडविल, एकदम सही। तो अब अपन के पास सीजीयू में जो चारों चीजें हैं, उन चारों चीजों का अपन को कैरिंग अमाउंट पता है, तो उसका टोटल हम पता कर सकते हैं। फटाफट कैलकुलेट कर लो, 5,25,000, 3,50,000, 2,00,000 और 1,50,000, ये आ गया 12,25,000। ये पूरे सीजीयू का कैरिंग अमाउंट है, ये पूरे सीजीयू का कैरिंग अमाउंट है, ठीक है? ये पूरे सीजीयू का कैरिंग अमाउंट है 12,25,000। और पूरे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट अपन को गिवन है, द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ सीजीयू इज 10,00,000। ये कहां से आया? ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? पूरे सीजीयू का कैरिंग अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, पूरे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट अपन को क्वेश्चन में गिवन था। तो ये बताओ, जैसे ही हमारे पास सीजीयू का कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट है, तो इम्पेयरमेंट लॉस तो अपन 2 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2,25,000। ये किसका है? ये पूरे सीजीयू का इम्पेयरमेंट लॉस है। तो पूरे सीजीयू में जो जो एसेट्स है उन सब पर ये एलोकेट होगा, ठीक है? तो अब अपन नोट नंबर 5 में करेंगे अलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस का अलोकेशन, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि आपको कैरिंग अमाउंट निकालना है आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। तो इम्पेयरमेंट लॉस का जब अपन अलोकेट करेंगे, उसमें बांटेंगे, तभी तो कैरिंग अमाउंट आएगा, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले ध्यान दो, 31 मार्च 2018 की अपन को गुडविल, मशीन ए मशीन बी, इन्वेंट्री, यानी कि सीजीयू के अंदर जो जो चीजें हैं, सीजीयू के अंदर जो जो चारों चीजें हैं, उन चारों का कैरिंग अमाउंट पता है क्या? चारों का पता है। गुडविल का तो उन्होंने खुद बताया था 1,50,000, इन्वेंट्री का उन्होंने खुद बताया था 2,00,000, ठीक है? मशीन ए मशीन बी का 31 मार्च 2018 का अपन ने कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट किया था नोट नंबर 1 में, याद होगा 5,25,000 और 3,50,000। कहाँ से आया ये? अगेन बता दूँ, नोट 1 में से, कुछ नहीं हुआ है, बस डेप कैलकुलेट किया था अपन ने, ठीक है? नोट 1 में दोनों का कैरिंग अमाउंट था। अब ये आया अपना इम्पेयरमेंट लॉस 2,25,000। सबसे पहले किसको बढ़ता है मुझे बताओ? अब तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले बढ़ता है गुडविल को। क्या इन्वेंट्री को बढ़ता है? बिल्कुल भी नहीं, इन्वेंट्री को नहीं बढ़ता।
इन्वेंट्री के लिए ये एस है ही नहीं, ठीक है। तो इंडियस जो 36 है वो इन्वेंट्री को लगता ही नहीं है, स्कोप से बाहर है, तो यहाँ पर इंपेयरमेंट लॉस नहीं बटेगा, ये ध्यान रखना। अब बात आती है किसमें बटेगा, इन दोनों में बटेगा, ऑब्वियस ही बात है। 2 लाख, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, 2,25,000 इंपेयरमेंट लॉस है, सारा का सारा कैसे बांट दिया, 2,25,000 इंपेयरमेंट लॉस है, 1,50,000 ही तो बटेगा क्योंकि गुडविल 1,50,000 है, ठीक है, गुडविल 1,50,000 है, उतना ही बटेगा। इन्वेंट्री में बटता नहीं है तो इन्वेंट्री उतने की उतनी रह गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं आगे तो मतलब फास्ट फॉरवर्ड पर तो नहीं हूँ, आराम से देखो। इम्पेयरमेंट लॉस है 2,25,000 का, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है गुडविल में, तो गुडविल है हमारी 1,50,000, तो इम्पेयरमेंट लॉस हमारा चला गया 1,50,000, तो गुडविल का कैरिंग अमाउंट कुछ भी नहीं बचा। दूसरी तरफ आता है हमारा इन्वेंट्री जो कि 2 लाख था। इन्वेंट्री इंडिया 36 से बाहर है, ठीक है, स्कोप में ही नहीं आता, तो इसमें इम्पेयरमेंट लॉस नहीं बढ़ता, इसलिए इम्पेयरमेंट लॉस के बाद इसका अमाउंट हो जाएगा 2 लाख, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस तो इसमें अलोकेट ही नहीं हुआ। ठीक, अब मुझे ध्यान से देखो हमारा, मुझे ध्यान से देखो मतलब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मेरी ध्यान से सुनो। इम्पेयरमेंट लॉस है 2,25,000, जिसमें से 1,50,000 हम बांट चुके हैं गुडविल में। अब हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितना बचा, अब हमारा इम्पेयरमेंट लॉस बचा 75,000, 75,000। अब यहाँ पे बहुत लोग गलती कर सकते हैं, वो सोचेंगे कि 75,000 हम इन दोनों के रेशियो में बांट देते हैं, मशीन ए मशीन बी, वैसे कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक है, अगर एज यूजल क्वेश्चन होता तो अपन यही करते, मशीन ए मशीन बी में बांट देते 75,000। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मशीन ए की खुद की कोई वैल्यू है, मशीन ए का खुद का वजूद है, इसलिए हमने, आपको याद होगा, मशीन ए का इम्पेयरमेंट लॉस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ क्या सच्ची, बिल्कुल, मशीन ए का हम इम्पेयरमेंट लॉस अलग से कैलकुलेट कर चुके हैं, 35,35,0, यानी कि मशीन में सिर्फ और सिर्फ 35,35,0 आएगा, इससे ज्यादा इम्पेयरमेंट लॉस आ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा इम्पेयरमेंट लॉस आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो मशीन ए में कितना जाएगा, अब आपको समझ में आया होगा कि सीजीयू के इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने से पहले मैंने आपको मशीन ए का इम्पेयरमेंट लॉस क्यों कैलकुलेट करवाया था, अब आपको समझ में आ रही होगी बात। इसलिए कैलकुलेट करवाया था कि जब यहाँ अलोकेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 35,35,0, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, 75,000 रह गया था जिसमें 35,35,0 तो अपन कर चुके, तो 75,000 में से 35,35,0 ये गया 39,650, ठीक है, ओ सॉरी 39,650 ये रहा। दोबारा ये वाली बात समझा देती हूँ, देखो यहाँ पर समझा देती हूँ। अरे क्या हो रहा है यार, ये इम्पेयरमेंट लॉस था, सबसे पहले गुडविल में बढ़ा 1,50,000 रुपए, उसके बाद मशीन ए में 35,35,0, बाकी का बढ़ जाएगा मशीन बी में, क्योंकि इन्वेंट्री में तो जीरो जाएगा, इन्वेंट्री में तो जाता नहीं है। तो देखो 2,25,000 का 1,50,000 रुपये चला गया गुडविल में, उसके बाद 35,35,0 चला गया मशीन ए में, तो बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है, जो बैलेंसिंग फिगर है 39,650, वो जाएगा मशीन बी में, ठीक है, वो जाएगा मशीन बी में। अब आप इन दोनों का कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर चुको, देखो 5,25,000 इसका वैल्यू था, जिसमें से कि 35,35,0 इस पे लग गया इम्पेयरमेंट लॉस, तो ये बच गया 489,650। उसी तरीके से 3,50,000, 39,650 ये लग गया, तो ये बच गया 3,10,350, ठीक है, ये आ गया फाइनल वैल्यू, ये आ गए सबके कैरिंग अमाउंट, समझ में आ गया अच्छे से एकदम। ये कैरिंग अमाउंट क्या है, ये वो कैरिंग अमाउंट है जो अभी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहे होंगे, कब, 31 मार्च 2018। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मैम 31 मार्च 2018 के तो ये वैल्यू थे, हाँ ये वैल्यू थे, ये बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस थे, ये बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस थे, फिर इसमें हमने इम्पेयरमेंट लॉस का अलोकेशन किया, फिर हमने इसमें इम्पेयरमेंट लॉस का अलोकेशन किया। अब ये आ गए आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस 31 मार्च 2018,
आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस 31 मार्च 2018, आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस 31 मार्च 2018 को ये कैरिंग अमाउंट है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारे कैरिंग अमाउंट थे बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस। इसके बाद अपने इम्पेयरमेंट लॉस को अलोकेट किया इस तरीके से, और उसके बाद आ गया हमारा कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। यहाँ तक सबको बात समझ में आई? ये हमारा क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट होता है। आई नो टाइम लग रहा है, बट आपको समझाना बहुत जरूरी है इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फाइनल आपको यहाँ तक आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के पार्ट बी पर। ये बहुत सिंपल है, इसमें डेप्रिसिएशन लगाना है बस। तो कैरिंग अमाउंट हमें ऑलरेडी पता है, कैरिंग अमाउंट कौन से वाले हैं? ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट। रिवाइज कैरिंग अमाउंट का मतलब है कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। मशीन ए का, मशीन बी का बताओ फटाफट से, चेक कर लूँ ऊपर, मैं तो भूल गई कितना कैलकुलेट किया था। 489650 और इसका कितना करा था, एक मिनट, 489650 सही है। तीन दस 350। ठीक है, ये कैरिंग अमाउंट था आफ्टर प्रोवाइडिंग इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस के बाद ये था। अब ये कब का था, 31 मार्च 2018 को। अगर हमें 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2019 में ले जाना हो, एक साल बाद ले जाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 18-19 का। तो देखो डेप्रिसिएशन लगेगा कैसे, वो ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन लगेगा 489650 ये है, 50,000 ये इसका रेजिडुअल वैल्यू, कितने साल चलेगा, 5 साल। 489650 माइनस 50,000 कितने साल चलेगा, 5 साल। तो एक साल का डेप्रिसिएशन आ गया 87930, एक साल का डेप्रिसिएशन आ गया 87930। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन माइनस करके देखो क्या आता है, 489650 ये आ गया 401720, 401720। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 310350। अब ये कितने साल और चलेगी, ये शायद ज़्यादा साल चलेगी, ये अभी तक सिर्फ 3 साल चली है और टोटल चलेगा कितना, 10 साल, यानी कि 7 साल और चलेगी, और इसका रेजिडुअल वैल्यू कुछ था नहीं। ठीक है, तो 310350 7 साल चलेगी, तो हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 44336, ये आ गया एक साल का डेप्रिसिएशन, माइनस कर दो। तीन दस 350 कैरिंग अमाउंट था, इसमें अपन माइनस कर देंगे 44336, दैट इज डेप्रिसिएशन, तो ये आ जाएगा 266014, ये आ गया कैरिंग अमाउंट ए का, कैरिंग अमाउंट बी का। समझ में आ गया, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, 31 मार्च 2018 का अपन के पास कैरिंग अमाउंट था, हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे, उसमें बस अपन ने एक एक साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो 31 मार्च 2019 का अपन के पास कैरिंग अमाउंट है। अब अपन एक बार फिर से इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं पार्ट सी में। पार्ट बी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, पार्ट सी पर आ गए, क्वेश्चन का पार्ट सी है, फिर से एक बार इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं। तो सीजीयू में जो जो चीजें थी उनका कैरिंग अमाउंट देखते हैं। कब कर रहे हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट, 31 मार्च 2019 को, कब कर रहे हैं, 31 मार्च 2019 को। अगर इम्पेयरमेंट टेस्ट अपन 31 मार्च 2019 को कर रहे हैं, तो कैरिंग अमाउंट भी हमें पता होना चाहिए 31 मार्च 2019 का। ठीक है, तो सीजीयू में क्या क्या था, मशीन ए, मशीन बी, मशीन मैम इन्वेंट्री भी तो, सॉरी मैम गुडविल भी तो था। अरे बेटा गुडविल था तो, लेकिन गुडविल पे एक बार इम्पेयरमेंट लिस्ट लग गया तो लग गया, बुक खत्म,
ठीक है, उसकी निल वैल्यू आ गई थी, तो अब उसे दोबारा कभी कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमारे सीजीयू में सिर्फ तीन चीजें हैं, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, ठीक है, सॉरी इन्वेंट्री। मशीन ए की वैल्यू अपन को पता है 31 मार्च 2019 की, हाँ पता है। मशीन बी की पता है, पता है 266014। इन्वेंट्री पर तो कभी इंपेयरमेंट लॉस लगा ही नहीं, तो ये भी पता है। इनका टोटल बताओ, एट सिक्स डबल सेवन थ्री फोर। ये आ गया हमारा टोटल कैरिंग अमाउंट। अब क्या हमें सिर्फ का रिकवरेबल अमाउंट पता है? 31 मार्च 2019 का रिकवरेबल अमाउंट गिवन था क्या? बिल्कुल गिवन था। कितना? द रिकवरेबल अमाउंट फॉर सीजीयू 11 लाख, दैट इज ऑन 31 मार्च 2019, 11 लाख दे रखा है, गिवन है, ठीक है, मैं कहीं से लेकर नहीं आई हूँ, गिवन है। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पर हम इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू दिख रही है सीजीयू की इतनी, और रिकवरेबल अमाउंट इसका है इतना, रिकवरेबल अमाउंट हमारा है इतना, यानी कि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है और सीजीयू की वैल्यू कम है। रिकवरेबल अमाउंट 11 है और सीजीयू 8 है, इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल का, क्योंकि इस पर, इस सीजीयू पर ऑलरेडी इम्पेयरमेंट लॉस लग चुका है, और अब ये उल्टा हो रहा है कि हमारा कैरिंग अमाउंट कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, दैट इज अब हमें करना पड़ेगा इस पर इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल, इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल। लेकिन आपको याद होगी एक बात मैंने बताई है, इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल करने से पहले एक बार ऐसा कैरिंग अमाउंट जरूर कैलकुलेट करना, एक ऐसा कैरिंग अमाउंट जहां पर कभी भी इम्पेयरमेंट लॉस लगा ही ना हो। आपको ऐसा सोचना है कि कभी भी इम्पेयरमेंट लॉस लगा ही ना हो, ठीक है। तो एक कैरिंग अमाउंट वही निकालते हैं। अच्छा, कब का निकालेंगे? जिस दिन टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2018 की तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट है ही 5,25,000, ठीक है, 5,25,000, 3,50,000, 5,25,000 और 3,50,000, 5,25,000, 3,50,000 और इसका था 2,00,000। तो 31 मार्च 2018 की तो अपन के पास कैरिंग अमाउंट है ही, ये हम नोट वन में ही कैलकुलेट कर चुके थे, बस एक साल का डेप्रिसिएशन। अब बस दोनों में फर्क क्या है? पहले अपन ने 31 मार्च 2018 का जब ये निकाला था ना कैरिंग अमाउंट, तो हमने इस पर इम्पेयरमेंट लॉस माइनस किया था। अब यहाँ पर क्या फर्क है? बस हम इस पर इम्पेयरमेंट लॉस माइनस ना करके डायरेक्ट डेप चार्ज करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। एक ऐसा कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं जहां पर इम्पेयरमेंट लॉस ही ना हो। ऐसी दुनिया, चमत्कारी दुनिया, सपनों की दुनिया, जहां पर इम्पेयरमेंट लॉस ना हो। तो देखो, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही तरीका है हमारा, 5,25,000, 5,50,000, कितने साल चलेगी? 5 साल थी शायद, 50,000 / 5, ये आ गया 95,000। कहाँ से माइनस करूँ 95,000? तो ये आ जाएगा 4,30,000, 4,30,000, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ माइनस करते हैं 3,50,000, इसकी वैल्यू तो निल, और कितने साल चलेगी? 4 साल, तो 7 साल, 50,000 आ गया इसका। दोनों में फर्क दिख रहा है, ये 5,25,000 की, इसका रेजिडुअल वैल्यू तो 50,000, और ये साल चलेगी अभी, रिमेनिंग लाइफ है इसकी 5, तो डेप्रिसिएशन आ गया 95,000, ये आ गया 4,30,000। इधर मशीन बी की बात करें तो ये था 3,50,000, इसका रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन ये अभी भी रिमेनिंग लाइफ 7 साल है, तो इसका पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 50,000। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये आ गया 3,00,000। 31 मार्च 2019 को जो वैल्यू आएगी मशीन बी की, वो आएगी 3,00,000। इन्वेंटरी पे तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये सीधा का सीधा आ जाएगा 2,00,000, ठीक है। तो देखो, 4,30,000 मशीन ए का, 3,00,000 मशीन बी का, और 2,00,000 हो गया इन्वेंट्री का, तो इसका वैल्यू आ गया 9,30,000। यानी कि अगर इस सीजीयू पर
कभी भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं लगता, कभी भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं लगता, तो 31 मार्च 2019 को इसका वैल्यू कितना होता? 31 मार्च 2019 को इसका वैल्यू होता 9,30,000, 9,30,000। अब इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल करने से पहले अपन क्या करते हैं, हम कैरिंग अमाउंट, कौन सा वाला, नो इम्पेयरमेंट लॉस वाला, दैट इज कितना हो गया 9,30,000। और रिकवरेबल अमाउंट जो कि है 11,00,000। ये सब कब की बात हो रही है, 31 मार्च 2019 की। ध्यान से देखो, ये है अगर इस पर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं लगा होता, और ये है रिकवरेबल अमाउंट। इसका जो लोअर होगा ना, इसका जो लोअर वो अपन लेते हैं, क्योंकि कभी भी हम इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते, किससे ज्यादा नहीं दिखा सकते, कैरिंग अमाउंट इम्पेयरमेंट लॉस से ज्यादा, कैरिंग अमाउंट जो कि इम्पेयरमेंट लॉस कभी लगा ही ना हो, ऐसी वाली दुनिया का कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हम नहीं दिखा सकते, इसलिए क्या हो जाएगा 9,30,000। ठीक, तो अभी का अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, 9,30,000, 9,30,000, यानी कि हमारा जो नया कैरिंग अमाउंट है, ओहो, नया कैरिंग, मेरी राइटिंग देख रहे हो, बहुत थकान हो गई, बहुत बड़ा क्वेश्चन था भाई, नया कैरिंग अमाउंट है वो है हमारा 9,30,000। मुझे क्या कोई ये बता सकता है कि अभी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिख रहा है, अभी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिख रहा है इस CGU का कैरिंग अमाउंट? 31 मार्च 2019 पे चले जाओ, पता चल जाएगा, ये रहा 31 मार्च 2019 का कैरिंग अमाउंट, ये 867734। अभी हमें दिखाना कितने में, 9,30,000, दिख कितने में रहा है, 867334, यानी कि हमें कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 62266। ये हमारा फाइनल आंसर, 62266। ये है हमारा इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल, क्योंकि जो हमारा ये ओल्ड कैरिंग अमाउंट है ना 867734, उसमें जब अपन ये प्लस करेंगे 6266, तभी हम पहुंचेंगे नए कैरिंग अमाउंट, दैट इज 9,30,000 पर, यानी कि नया कैरिंग अमाउंट है हमारा 9,30,000। और वो कब बनेगा, जब हम ओल्ड कैरिंग अमाउंट दैट इज 867734 में 62266 इनवर्स इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे, तभी हमारा बनेगा 9,30,000। ये जरूर ध्यान रखना, पहले अपन क्या करते हैं इम्पेयरमेंट रिवर्सल के केस में, पहले हम जो भी उसका कैरिंग अमाउंट है उसे रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं, अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा आया इसका मतलब ही समझ जाओ कि ये रिवर्सल का केस है। फिर आपको ध्यान रखना है एक ऐसा कैरिंग अमाउंट निकालना है जहां पर कभी भी इम्पेयरमेंट लॉस ना रखा हो, तो उस कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है आपको रिकवरेबल अमाउंट से, और जो लोअर हो वही लेना है, ठीक है? तो वो कौन आ जाएगा आपका कैरिंग अमाउंट नो इम्पेयरमेंट लॉस वाला, तो वही हो जाएगा जो इसका लोअर हो ना, वही हो जाएगा हमारा नया कैरिंग अमाउंट, समझ गए? एक बार नया कैरिंग अमाउंट आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई नया कैरिंग अमाउंट ये है, अभी ओल्ड कैरिंग अमाउंट ये दिख रहा है, इसका मतलब इस ओल्ड कैरिंग अमाउंट पे हमें ये प्लस करना पड़ेगा, इतना इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल करना पड़ेगा, तभी हमारा नया कैरिंग अमाउंट इतना बन पाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें काफी सारे एफर्ट लगाए, ये आपको दिख रहे होंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट ने भी इतने एफर्ट नहीं लगाए हैं, उन्होंने बड़ी जल्दी क्वेश्चन खत्म कर दिया है, कुछ चीजें बताई नहीं है कहाँ से आई है कहाँ से नहीं, तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दो जल्दी से, आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।